नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कोविड 19 यानी कोरोना जैसी महामारी जिसके चलते पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी, या फिर आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसे ही हालात रहे। अलग अलग राज्यों की सीमाएं भी सील कर दी गई, यहां तक कि गांव में भी टीकरी पहरा लगा करके आने जाने वालों पर निगरानी रखी गई। और अब तक ये लॉकडाउन की स्थिति 3 मई तक बताई जा रही है। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में तथा उनकी सीमाओं को सील किया गया। वहीं इस समय हरियाणा और दिल्ली दोनों की सीमाओं को भी सील किया गया है, ऐसे रास्ते जहां से कोरोना सफर कर सकता है। दिल्ली में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं हरियाणा में ये स्थिति और गंभीर न हो, इसके लिए जिला उपायुक्तों को ये आदेश दिए गए हैं, जिनमें से जिला उपायुक्त सोनीपत के आदेश के अनुसार ये रास्ते बंद करवाए गए। बताया जा रहा है कि ये 3 मई तक बंद रहेंगे। इंस्पेक्टर खरखोदा जसवीर सिंह के अनुसार दिल्ली, नरेला, बवाना और कुतुबगढ़ की तरफ से करीबन 12 सब रास्ते खरखोदा की ओर खुलते हैं। कोरोना पर नियंत्रण के लिए एक विशेष नीति बनाई गई है और उस रणनीति के अनुसार ही इन रास्तों को जेसीबी से बंद किया गया है। पहले यहां गड्ढे खुदवाए गए हैं। जो भी सड़कें हैं, चाहे वो हाईवे की हो या फिर लोकल, उनको गहरे गड्ढों में तब्दील कर कंटीली झाड़ियाँ डाल दी गई, यानी पूरी तरह से सड़क को उखाड़ करके ये रास्ते बंद किए गए हैं ताकि कोई भी वाहन यहाँ से न गुजर सके। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। लोकल को बताएंगे कि मुझे लगते कच्चे पक्के रास्ते करीब 12, जिसमें कम से एक रास्ते को छोड़ कर जल्दी बदलवा, बाकी की खुदाई करवा रहे हैं या उनको पक्का बदलवा रहे, सभी रास्ते बंद करते हैं। बिल्कुल सही करते हैं। किस तरह की संभावनाएं देखी जा रही थी, जैसे एक मुलाजिम था हरियाणा पुलिस का, वो भी पॉजिटिव पाया गया है, उसकी एहतियात के तौर पर ये रास्ते बंद किए गए हैं या कुछ और वजह? प्रशासन का आदेश था, क्योंकि ज्यादातर मामले हमारे हरियाणा में दिल्ली से आए हुए, इसलिए हम सभी रास्तों को बंद करो। सर, बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कर्मी या पुलिस कर्मी जो दूसरे स्टेट से है या दूसरे ये अपने जिले से है, उनको भी एंट्री नहीं करने दी जाएगी, ऐसा कुछ मामला? अभी प्रशासन की तरफ से आदेश है, कोई भी कर्मचारी हो, पुलिस का हो या किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। किन किन रास्तों में उनको एंट्री नहीं करने दी जाएगी, जैसे स्वास्थ्य कर्मी है या पुलिस कर्मी है? जो हमारे थाना पर प्रभारी निर्माण के लिए सब होते हैं, उन सभी मिली मिलते हैं।